Hello students, I'm Sunika Rumba and today I'm here to teach you communication topic, and this is a SSC subject and class 5, okay? Part 1. Topic is communication, class 5, SST. So under this we will learn means of communication, personal communication and mass communication. आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन यानी कि आप लोग एक दूसरे से संपर्क करते हैं ना, घर पर बोलते हैं, आपके दोस्त के साथ आप लोग बोलते हैं, और स्कूल में जब आप लोग आते हो उस वक्त भी आप लोग बोलते हो, है ना, एक दूसरे से. और ये जो आप लोग कम्युनिकेट करते हो इसे बोलते हैं आप लोग को संपर्क करना, ठीक है. तो उसी टॉपिक पर आज हम पढ़ेंगे. और ये जो आप लोग एक दूसरे से आपके दोस्त के साथ आप लोग कम्युनिकेट करते हो इसका भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन्स है ना. तो ये रहा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि साधन. क्या है साधन कम्युनिकेट करने का, संपर्क करने का साधन क्या है वो पढ़ेंगे. और ये जो आप लोग कम्युनिकेट करते हो एक दूसरे से, और ये जितने भी साधन है ये दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन. पर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि व्यक्तिगत कम्युनिकेशन, यानी कि सिर्फ ये जो पर्सनल कम्युनिकेशन होता है ये सिर्फ एक दूसरे से, यानी कि सिर्फ दो इंडिविजुअल के बीच में ही होता है. जैसे कि आप लोग क्लास में बैठते हो, दो दो करके एक बेंच में बैठते हो, और जब भी आप लोग दो दो बात करते हो एक दूसरे से, तो वो क्या हुआ आप लोग का पर्सनल कम्युनिकेशन है ना. क्योंकि कभी कभार आप लोग क्लास में जो बोलते हो और आप कहते हो आपके दोस्त को, ठीक है मैं तुम्हें ये बताऊँगा और ये आप लोग अपने दोस्त को मत बताना, ठीक है, यह सिर्फ हम दोनों का ही बीच में रहेगा. तो क्या हुआ आप लोग का पर्सनल कम्युनिकेशन. और ये जो पर्सनल कम्युनिकेशन है एक दूसरे से इंडिविजुअली एक दूसरे से बात करने के अलावा भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन है. और ये जो नीचे का मास कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन सिर्फ दो इंडिविजुअल के बीच में नहीं आता है. मास यानी कि सामूहिक. मास का मीनिंग क्या है, सामूहिक है ना. सामूहिक यानी कि एज अ होल बहुत सारे इंसान आता है. सामूहिक मतलब सोसाइटी, कम्युनिटी, एज अ होल कंट्री, वर्ल्ड, जितना ज़्यादा इंसान है सामूहिक, वो रहा मास कम्युनिकेशन. ये मास कम्युनिकेशन सिर्फ एक दूसरे से यानी कि दो इंडिविजुअल के बीच में नहीं होता है. वेयर एज पर्सनल कम्युनिकेशन दो इंसान के बीच में होता है ना. और ये जो पर्सनल कम्युनिकेशन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पर्सनल कम्युनिकेशन. और ये जो मास कम्युनिकेशन है ये भी डिफरेंट टाइप्स का है. और ये साधन क्या है ये सब आज हम इस टॉपिक पर, कम्युनिकेशन टॉपिक पर देखेंगे, ठीक है. तो ये कम्युनिकेशन जो हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, आपके भाई, बहन, माँ, बाबा और आपके दोस्त के साथ जो भी कम्युनिकेट करते हो, और क्लास में भी आके आप लोग कम्युनिकेट करते हो, ठीक है. क्योंकि जब आप लोग स्कूल आते हो चुपचाप तो नहीं बैठते हो आप लोग, आपके दोस्त के साथ बात करते हो, आपके टीचर्स के साथ बात करते हो, है ना. और जो भी रास्ते में आप लोग जो भी मिलेगा स्कूल आते वक्त बात करते हो, है ना, चुपचाप करके नहीं आते हो आप लोग, है ना. इसे कम्युनिकेशन बोलते हैं, कम्युनिकेट करना. अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है ना स्कूल में या फिर घर पर, है ना, आप लोग बोलते हो मुझे ऐसा हो रहा है, अगर आप लोग को बुखार है तो आप लोग बताएंगे मुझे बुखार हो रहा है, मुझे सर दर्द कर रहा है, ये जो भी बात है आप लोग बोलते हो इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेट करना, ठीक है. और ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है, ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आता है, ठीक है. लैटिन वर्ड आप लोग जब इंग्लिश में देखेंगे जितना भी वर्ड है वो सब लैटिन वर्ड से आता है, क्योंकि माना जाता है लैटिन वर्ड एकदम प्राचीन वर्ड है, प्राचीन शब्द है. इसलिए ये जो लैटिन वर्ड से आता है वर्ड कम्युनिकेशन. और वर्ड कम्युनिकेशन का मीनिंग है लैटिन वर्ड से कम्युनिस, ठीक है. कम्युनिस बोलते हैं यानी कि बात करना, एक संपर्क करना, ठीक है. सो द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिस मीनिंग कॉमन. और कम्युनिस का मतलब क्या है लैटिन में, कॉमन, ठीक है, कॉमन है. और इट इज द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस एंड इमोशंस बिटवीन टू और मोर पीपल.
और ये जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ये जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं उस वक्त आप लोग फैक्ट्स जैसे कि वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ है जिसे आप लोग को पता नहीं है, है ना, वो एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, आइडियाज अपना सोच एक दूसरे को बताते हैं कैसे आपका सोच कैसा है ना, और आपका दोस्त का सोच कैसा है, ये सब बताते हैं कम्युनिकेट। ओपिनियंस यानी कि अच्छा ओपिनियन भी होता है, बैड ओपिनियंस भी होता है ना, सुझाव देना है ना। एंड इमोशंस यानी कि फीलिंग्स, एक दूसरे का फीलिंग्स कैसा है, अगर आपको बहुत दर्द हो रहा है तो आप अपनी मम्मी या पापा या फिर आपको दोस्त को बताओगे देखो बहुत दर्द हो रहा है ना। अगर आपको बहुत दुख हो रहा है तो आप लोग बताओगे देखो मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि मेरा एग्जाम पे अच्छा मार्क्स नहीं आया है ना। अगर आपको अपने मॉम या डैड ने आप लोग को अच्छी तरह के कपड़े ला के दिया और मिठाई ला के दिया तो आप लोग क्या बताओगे, बहुत खुश हो रहा है मैं बहुत खुश हूँ। और ये जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, ये इमोशंस ये सब आप लोग बोल के ही बताते हैं एक दूसरे को, है ना। अगर आप बहुत खुश होते सिर्फ चुपचाप एक कोने में नहीं बैठते हो, बताते हो बहुत सारे लोग को बताते हो कि आप लोग बहुत खुश हो, है ना। तो इमोशंस बिटवीन टू और मोर पीपल, एक दूसरे को बताते हो आपके दोस्त या फिर आपका फ्रेंड्स फैमिलीज को बताते हो। एंड एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। और ये जो कम्युनिकेशन, इसका सार एसेंस यानी कि सार, इसका सार क्या है कम्युनिकेशन का, ये है कम्युनिकेट करके एक दूसरे को समझना, ठीक है। क्या हुआ आपके दोस्त को, क्या हुआ आपके मॉम एंड डैड, क्या हुआ आपके लोकेलिटी में क्या हुआ, ये सब आप लोग कम्युनिकेट करके ही समझ सकते हो एक दूसरे को, है ना। और समझने के अलावा ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन यानी कि इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को देना, ठीक है। अगर कोविड का वैक्सीन, पिछले बार कोविड का वैक्सीन आया था गांव-गांव में, है ना, और कोविड का वैक्सीन आते वक्त इन्फॉर्मेशन दे दिया था ना गांव में, सिर्फ अकेले एक लोग सिर्फ अकेले ही जाके वैक्सीन लगा के नहीं आए थे, है ना, इन्फॉर्मेशन दे दिया था गांव को कि वैक्सीन आ रहा है अभी, बुजुर्गों का और जो बिटवीन 30-40 है वो सबका वैक्सीन आ रहा है, ये तो इन्फॉर्मेशन दे दिया था, है ना। तो ये थ्रू कम्युनिकेशन के थ्रू दिया था, इन्फॉर्मेशन भी दिया था। सो इसीलिए जो कम्युनिकेशन का एसेंस है वो एक दूसरे को समझना, और जो भी इन्फॉर्मेशन है अच्छा या बुरा इन्फॉर्मेशन जो है एक दूसरे को देना, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का कम्युनिकेशन। तो अब हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का साधन क्या है वो पढ़ेंगे आज हम। ओवर द ईयर्स कम्युनिकेशन हैज डेवलप्ड इन अ मेजर वेज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। मोर एंड मोर पीपल हैव गेन एक्सेस टू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। और ये जो कम्युनिकेशन है, बोलने का साधन है, ये ईयर बाय ईयर बहुत डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है। मुँह से सामने फेस टू फेस बोलने के अलावा बहुत डेवलप्ड होते जा रहा है। और आप लोग को पता ही होगा हमारा वर्ल्ड कितना भरा है ना, और एक दूसरे को कम्युनिकेट करने में बहुत प्रॉब्लम होता था। और ये जो अभी कम्युनिकेशन बहुत डेवलप्ड हो रहा है डे बाय डे, इसके मदद से आप लोग को ये वर्ल्ड बहुत छोटे लगने लगा है, क्योंकि अगर आपका दोस्त या भाई या बहन जो भी अमेरिका पर हो या अफ्रीका में हो और आप इंडिया पर हो, एक कॉल करके आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हो फोन से भी, ठीक है। इसीलिए देश के जिस भी कोने में हो आप कम्युनिकेट कर सकते हो, जल्दी ही देना कम्युनिकेट कर सकते हो। और ये जो डिस्टेंस है ना, डिफरेंट प्लेसेस का डिस्टेंस है, आप लोग को दूर नहीं लगता है। जब आप लोग कम्युनिकेट करोगे तो आप लोग को दूर नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपका मॉम या डैड, आपका दोस्त भाई बहन जो भी आउट ऑफ कंट्री हो, इंडिया से बाहर हो, तो आप लोग वीडियो कॉल में बात करते हैं, है ना, वॉइस कॉल में बात करते हैं, तो आप लोग को बहुत दूर पर है, आपका दोस्त बहुत दूर रहता है, वो महसूस नहीं होगा। क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं होता था, क्योंकि
पहले जब एक डिफरेंट प्लेस पर रहता था और जब आपको दोस्त को कुछ लेटर भिजवाना है या फिर कुछ संदेश भिजवाना है तो गाड़ी वो बुलक कार्ट यूज़ करते थे, है ना, और बहुत टाइम लगता था, हफ्ते दिन महीने बहुत टाइम लगता था। और पंछी भी यूज़ करते थे और वो कबूतर उड़ के जाने में बहुत टाइम लगता था, है ना। तो अभी तो वैसा नहीं है क्योंकि बहुत डेवलप्ड हो गया है, कम्युनिकेशन बहुत इजी भी हो गया है और इसी वजह से जो भी डिस्टेंस है वो हमें छोटे लगने लगा है, ठीक है। सो अब बहुत छोटे लगने लगा है। और ये जो डेवलप हुआ है प्रिंटिंग प्रेस, जो प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस के वजह से बहुत ज़्यादा बुक और न्यूज़पेपर में आप लोग को कम्युनिकेट करने को मिलेगा विद द हेल्प ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, इंटरक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। मोर एंड मोर पीपल हैव गेन एक्सेस टू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। प्रिंटिंग प्रेस के वजह से ही लोग बहुत ज़्यादा बुक्स एंड न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस के वजह से, ठीक है। एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है। और ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, साधन है जो कम्युनिकेशन करने का, वो पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन पर डिवाइड हुआ है, दो भाग में विभाजित हुआ है, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे पर्सनल कम्युनिकेशन। आज का ये जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट में हम आज सिर्फ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और पर्सनल कम्युनिकेशन ही देखेंगे, ठीक है। पर्सनल कम्युनिकेशन के अंडर पर क्या क्या आता है वो देखेंगे, और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हमने अभी देखा है ना, और ये जो मास कम्युनिकेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलो हम बात करते हैं अब पर्सनल कम्युनिकेशन का। पर्सनल कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल, हमने आपको पहले भी बताया था, है ना, छोटा सा समरी करके बताया था। जो ये पर्सनल कम्युनिकेशन होता है सिर्फ दो एक दूसरे के बीच, सिर्फ दो लोग के बीच में ही होता है पर्सनल कम्युनिकेशन, है ना। गाँव को नहीं बताया जाता है, सोसाइटी को नहीं बताया जाता है, कंट्री को नहीं बताया जाता है, सिर्फ दो इंडिविजुअल के बीच में होता है पर्सनल कम्युनिकेशन। और ये जो पर्सनल कम्युनिकेशन है इसके अंडर भी आता है पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर, है ना, टेलीफोन आप यूज़ करते हो, सब लोग ने देखा ही होगा टेलीफोन, सब यूज़ करते हैं टेलीफोन अभी तो, मोबाइल फ़ोन भी बहुत सारा लोग यूज़ करते हैं, फैक्स भी यूज़ करते हैं, ईमेल भी यूज़ करते हैं, और अभी तो आप लोग को जैसे भी फॉर्म कम्प्लीट भी एग्ज़ाम या कुछ भी एग्ज़ाम बैठोगे आप लोग ईमेल आईडी आप लोग को ईमेल आईडी देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितना भी मैसेज है वो ईमेल आईडी के थ्रू आएगा, है ना। पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर आप लोग लेटर भिजवाते हैं क्योंकि पहले तो जो लेटर्स होता था वो कबूतर को दिया जाता था और अभी तो कबूतर का ज़माना चला गया तो क्या आ गया पोस्ट ऑफिस और टेलीफोन, जहाँ पे आप एक कॉल करके एक घुमा के आप बात कर सकते हैं आप जिसको भी, आपके दोस्त भाई बहन माँ बाबा जिसको भी आप लोग बात कर सकते हैं। और मोबाइल फ़ोन तो अगर आप सही तरीके से मोबाइल फ़ोन यूज़ करोगे तो आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा, यानी कि आप लोग को नोट्स ढूंढने में, है ना, आप लोग जब पढ़ते हो उस वक्त भी आप लोग को मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़रूरत पड़ता है। और ये मोबाइल फ़ोन आप लोग अभी जितना भी PDF आपको सेंड करना है पढ़ाई के मामले में फ़ोन से भी आप सेंड कर सकते हो, तो मोबाइल फ़ोन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो फैक्स है, फैक्स के थ्रू आप लोग इमेज सेंड कर सकते हो, देन एंड देयर इमेज सेंड कर, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इमेज आप लोग सेंड कर सकते हो फैक्स के हेल्प से। और ये जो ईमेल है, ईमेल जैसे कि आप लोग को पोस्ट ऑफिस पर लेटर लेके सेंड करना पड़ेगा और थोड़ा बहुत टाइम लगेगा पोस्ट ऑफिस पर ईमेल पर वैसा नहीं होगा, आप लोग को देन एंड देयर मैसेज सेंड कर सकते, ईमेल सेंड कर सकते हो टाइप करके, ठीक है, और आप इसे पैसे भी नहीं लगेगा, सिर्फ इंटरनेट के ही ज़रूरत है। तो अब इसे हम पॉइंट वाइज पॉइंट करके देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर, पोस्ट ऑफिस देखेंगे हम, पोस्ट ऑफिस लेटर्स एंड पार्सल्स आर सेंट एंड रिसीव थ्रू द पोस्ट ऑफिस
द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग अ लेटर इज मेड बाय बाइंग अ पोस्टेज स्टैम्प। तो जब हम पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं तो आपके दिमाग में लेटर तो जरूर आएगा, क्योंकि सब लोग ने ही पोस्ट ऑफिस देखा है ना। पोस्ट ऑफिस यानी कि जब आप लोग चिट्ठी लिखते हो, आपका कोई भी दूर रहता है और आपको चिट्ठी लिखना है, उसका हाल खबर पूछना, या भी आपके घर पर जो भी ओकेजन हो या जो भी फंक्शन हो, अगर आपको लिख के सेंड करना है तो आप लोग लेटर लिखोगे और लेटर लेके आप लोग पोस्ट ऑफिस जाके उसे डाल दोगे, ठीक है। और तो जब हम लोग पोस्ट ऑफिस के बारे में बात करें तो लेटर हुआ, और पार्सल यानी कि सामान, बड़ा बड़ा सामान या छोटा सामान जो भी है, अगर आपको सेंड करना है तो आप लोग पोस्ट ऑफिस से सेंड कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस में आता है लेटर्स एंड पार्सल्स। और ये जो कॉस्ट है, आप सामान पहुंचाने के लिए या फिर लेटर पहुंचाने के लिए जितना भी कॉस्ट है, ये पोस्टल स्टैम्प से जितना भी पोस्टल स्टैम्प खरीदोगे आप लोग, उस ये कॉस्ट सिर्फ पोस्टल स्टैम्प के लिए ही है। और ये जो पोस्टल स्टैम्प है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट स्टैम्प आपका लेटर या फिर पार्सल नहीं पहुंचेगा, ठीक है। स्टैम्प लगवाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो स्टैम्प होता है, ये पोस्टल स्टैम्प आपका देश का हिस्ट्री, जो कल्चर का हिस्ट्री होता है वो दिखाता है पोस्टेज स्टैम्प, ठीक है। और अर्जेंट लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर सेंट थ्रू स्पीड पोस्ट। और ये नॉर्मल पोस्ट भी होता है पोस्ट ऑफिस पर, और आपको बहुत ज़रूरी हो, देन एंड देर जल्दी पहुंचाना हो तो क्या होता है उसमें, स्पीड पोस्ट होता है, ठीक है। और हफ्ते दिन में पहुंच जाते स्पीड पोस्ट बहुत जल्दी से होता है नॉर्मल पोस्ट के मुताबिक। एंड कॉरियर यानी कि सामान, जो भी आप लोग को सामान भिजवाना हो, है ना। टाइम टेकन बाय द लेटर और पार्सल डिपेंड्स अपन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज बाय पोस्ट ऑफिस, ठीक है। और आपको किसी भी अर्जेंट लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स आप लोग को पहुंचाना है, देर एंड देर पहुंचाने हैं आप लोग को, तो स्पीड पोस्ट यूज़ करेंगे आप लोग, स्पीड पोस्ट अगर आपको बहुत जल्दी है, ठीक है, स्पीड पोस्ट यूज़ करते हैं। और ये जो पोस्ट ऑफिस टाइम लेते हैं आपका सामान या फिर आपका लेटर पहुंचाने के लिए, जितना भी टाइम लगाता है, वो पोस्ट ऑफिस कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है उसमें डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा या फास्ट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किया तो आपका सामान जल्द से पहुंच जाएगा, अगर स्लो मीडियम यूज़ किया तो धीरे से पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का पोस्ट ऑफिस। सो एक बार हम इसे देखेंगे, पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, लेटर्स एंड पार्सल सेंड होता है, ठीक है। और जब आप लोग लेटर से पार्सल सेंड करोगे, वहाँ पर आप लोग को स्टैम्प लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग ने स्टैम्प नहीं लगवाया तो आपका लेटर या फिर कॉरियर पोस्ट नहीं होगा। और ये जो पोस्टेज स्टैम्प है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पोस्टेज स्टैम्प हमारा देश का कल्चर का हिस्ट्री बताता है। और जितना भी लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स है वो स्पीड पोस्ट के थ्रू से भिजवाया जाता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस पर नॉर्मल पोस्ट भी होता है और स्पीड पोस्ट भी होता है, और जितना ज़रूरत हो आपको वो आप लोग स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, है ना। एंड कोरियर भी आप लोग स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। टाइम टेकन बाय द लेटर, और ये जो टाइम लगता है लेटर और पार्सल पहुँचाने के लिए, ये पोस्ट ऑफिस कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं उसमें डिपेंड करता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये रहा आप लोग का पोस्ट ऑफिस, है ना। तो आप यहाँ पर जाके आप जितना भी पार्सल या लेटर्स आपको पोस्ट करना है, पोस्ट ऑफिस जाके आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा पोस्ट ऑफिस। सो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स टेलीफोन। सो दूसरा पर्सनल कम्युनिकेशन हुआ आप लोग का टेलीफोन तो आप सब लोग ने ही देखा ही होगा, नई चीज़ तो नहीं है टेलीफोन आप लोग का, है ना। इन्वेंटेड, और ये जो टेलीफोन है वो किसे इन्वेंट किया है, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया है, ठीक है। पहले इन्वेंट करने वाला कौन था, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल। कब किया था,
1876। तो टेलीफोन जो है वो आज या कल इन्वेंट नहीं हुआ था, वो कब इन्वेंट हुआ था? 1876, बहुत पहले इन्वेंट हुआ था। ठीक है, वायर्ड फोन्स आर कॉल्ड लैंडलाइंस एंड वायरलेस फोन्स आर कॉल्ड मोबाइल फोन्स। और ये जो टेलीफोन है वो एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 को इन्वेंट किया था, बहुत पहले, आज या कल नहीं किया था, बहुत पहले इन्वेंट किया था एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। और ये जो जब ये टेलीफोन का आविष्कार हुआ था उस वक्त बहुत इजी हुआ एक दूसरे से सिर्फ फ़ोन में बात करना, बहुत इजी हुआ। और देन एंड देर भी आप लोग को जो भी बताना है आपके दोस्त को और जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो आप लोग टेलीफोन की मदद से आप लोग दे सकते हो, वो भी बहुत जल्दी से, पोस्ट ऑफिस से भी बहुत जल्दी से टेलीफोन में आप लोग दे सकते हो। और अभी आप लोग देख सकते हो वर्ल्ड पर हम लोग जिससे भी बात करेंगे टेलीफोन के मदद से ही बात करते हैं, अभी जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने स्टार्ट किया था। पर ये जो टेलीफोन है वो अभी पहले का जैसा नहीं रहा, बहुत डेवलप हुआ है टेलीफोन भी। और अभी जो वायर टेलीफोन से उसे हम लैंडलाइन बोलते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो लैंडलाइन ये वायर्ड है ना, वायर टेलीफोन का हम लोग लैंडलाइन भी बोलते हैं। और जो अभी वायरलेस फ़ोन है ना, क्योंकि टेलीफोन जो है वो डे बाय डे, इयर्स बाय इयर्स बहुत डेवलप्ड हो रहा है। और ये जो वायरलेस है जो पहले चलाते थे वो रहा आप लोग का टेलीफोन, अभी भी चलाते हैं, पर मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट यूज टेलीफोन्स, ओनली फ्यू पीपल और यूज टेलीफोन्स। और अभी तो मोस्ट ऑफ द पीपल यूज वायरलेस फ़ोन, क्योंकि ये जो मोबाइल फ़ोन है वो पॉकेट में भी कैरी करना बहुत ईजी है, इसलिए अभी जो वायरलेस है उसे बोलते आप लोग मोबाइल फ़ोन। क्योंकि ये जो टेलीफोन है इसका तो बहुत बड़ा तार होता है ना, बहुत बड़ा वायर होता है, और इसे ऐसे समाज के ऐसे होल्ड करके आप लोग इधर से उधर ले जाना बहुत डिफिकल्ट पड़ता है, इसलिए जो अभी डेवलप होके मोबाइल फ़ोन आए हैं मोस्ट ऑफ पीपल यूज़ मोबाइल फोन्स। तो ये रहा आप लोग का टेलीफोन। सो किसने इन्वेंट किया था? एलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876, एंड बिकॉज ऑफ हिम ओनली वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर देन एंड देयर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन यानी कि आप लोग सब लोग को पता है मोबाइल फ़ोन क्या है। और ये जो मोबाइल फ़ोन है जिसे पोस्ट ऑफिस एंड टेलीफोन पर्सनल कम्युनिकेशन पर आता है, ये जो मोबाइल फ़ोन है ये भी पर्सनल कम्युनिकेशन पर ही आता है। पॉपुलर मीन्स ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इजी टू कैरी। और जो मोबाइल फ़ोन है ये पॉपुलर मीन्स ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, डायरेक्ट अगर आपको आपके दोस्त से बात करना है तो देन एंड देर आप नंबर डायल कर सकते हो और आपके दोस्त को आप बता सकते हो। अगर आपके दोस्त को आपके बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना है ना, और किसी को भी आपके बर्थडे पार्टी या भी आप फंक्शंस ओकेजन जो भी होता है आपके घर पर इनवाइट करना हो, तो देन एंड देर आप लोग नंबर डायल करके आप उसे कॉल करके बुला सकते हो, जहाँ पर भी हो आप कॉल करके बुला सकते हो, इसलिए तो वो हो रहा डायरेक्ट कम्युनिकेशन है ना। और ये जो मोबाइल फ़ोन है आप लोग पॉकेट में भी डाल के इधर उधर चल सकते हो, बहुत इजी टू कैरी, इट इज़ वेरी इजी टू कैरी है ना। सो मोबाइल फ़ोन इज इजी टू कैरी। SMS, पिक्चर्स एंड डॉक्यूमेंट्स इज सेंड एंड रिसीव, इवन रिसीव रेडियो ब्रॉडकास्ट, प्ले म्यूजिक, टेक पिक्चर्स कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। और बहुत इजी है और डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी है मोबाइल फ़ोन। और जो मोबाइल फ़ोन है इसे हम SMS यानी कि शॉर्ट मैसेज सर्विस भी दे सकते हैं, पॉपुलर नोन एज सेंडिंग मैसेज है ना, आप लोग कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हो, कॉल करके भी बात कर सकते हो मोबाइल फ़ोन पर, और आप लोग टाइप करके भी मैसेज सेंड कर सकते हो आपके दोस्त या किसी को भी आप लोग टाइप करके सेंड कर सकते हो। ये मॉडर्न वे ऑफ सेंडिंग मैसेज है, जो मैसेज करते हो आप लोग टाइप करके, ये मॉडर्न वेज ऑफ सेंडिंग मैसेज है। क्योंकि पहले एंशिएंट डेज में तो आप लोग SMS नहीं सेंड करते थे है ना, लेटर लिख के सेंड करते थे, और अभी तो SMS यानी कि टाइप करके सेंड करते हो। और ये रहा आप लोग का मॉडर्न वेज ऑफ कम्युनिकेशन।
और ये जो मोबाइल फोन पर SMS भी सेंड कर सकते हो, और किसी का पिक्चर सेंड करना है ना, पिक्चर भी सेंड कर सकते हो। अगर आप लोग घूमने के लिए जाते हो, गोवा, मनाली, देहरादून, जहाँ पर भी आप लोग घूमने के लिए जाते हो, तो आप लोग की अपने दोस्त या फिर फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैमिली इसको सेंड करते हो ना, देखो मैं यहाँ पर चली गई, देखो कितना सुंदर प्लेस है ना, देखो यहाँ पर कितना बर्फ गिर रहा है, देखो कितना ब्यूटीफुल प्लेस है, कितने ब्यूटीफुल फ्लावर है, और हमने बहुत अच्छा खाना भी खाया। ये सब जब फीचर सेंड करते हो, किसके थ्रू से सेंड करते हो, मोबाइल फोन यूज़ करते हो आप लोग। जब भी कोई भी मैं पिक्चर सेंड करोगे तो मोबाइल फोन यूज़ करते हो आप लोग। और जब आप लोग पढ़ते हो है ना, पढ़ते हो या फिर आप लोगों को कुछ जॉब अप्लाई करना है ना, अगर या फिर आप लोग काम करते हो उस वक्त, ऑफिस में काम करते हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स सेंड करना पड़ेगा, दस्तावेज़ है ना, कुछ सेंड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ है ना, तो ये भी आप लोग मोबाइल फ़ोन के हेल्प से ही सेंड कर सकते हो, ठीक है। और टेक पिक्चर्स, आप अगर आप लोग कहीं पर घूमने गए तो आप लोग वहाँ के पिक्चर भी ले सकते हो, और आपके दोस्त का पिक्चर लेना है तो आप लोग मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये जो मोबाइल फ़ोन है वो इंटरनेट से भी कनेक्टेड होता है, इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, और जब इंटरनेट भी कनेक्ट होता है तो आप लोग जब पढ़ते हो उस वक्त अगर आपको कुछ वर्ड समझ में नहीं आया कि वो सेंटेंस क्या बोल रहा है ना, तो आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हो, और गूगल यूज़ करने के लिए आप लोग को इंटरनेट चाहिए। सो मोबाइल फ़ोन पे इंटरनेट कनेक्ट करके आप लोग जो भी चाहिए, आप लोग का जो भी पढ़ाई के मामले में है ना, या फिर आप जॉब करते हो और कुछ समझ में नहीं आया, तो इंटरनेट कनेक्ट करके आप लोग गूगल में सर्च आउट कर सकते हो। और इसके अलावा ये जो मैसेज एंड इंटरनेट, ये पिक्चर्स है, इसके अलावा मोबाइल फ़ोन से रेडियो ब्रॉडकास्ट, आप लोग रेडियो भी सुन सकते हो। पहले इतना बड़ा डब्बा होता था रेडियो का, और उसे ऑन करके रेडियो सुनना पड़ता था, है ना, पर अभी मोबाइल फ़ोन से भी आप लोग रेडियो सुन सकते हो, ठीक है। एंड प्ले म्यूजिक एंड टेक पिक्चर्स, आप लोग को म्यूजिक भी प्ले कर सकते हो मोबाइल फ़ोन से। पहले तो मुँह से गाना पड़ता था, अगर किसी का शादी हो है ना, या फिर किसी का बर्थडे हो, मुँह से गाना पड़ता था, बैंड बजाना पड़ता था, पर अभी वैसा नहीं होता है। आप लोग मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हो, जो साउंड सिस्टम है उसमें कनेक्ट करके आप लोग यूज़ कर सकते हो, म्यूजिक प्ले कर सकते हो, है ना। तो ऑल दिस आर दी यूजफुल ऑफ मोबाइल फोन्स, एंड मोबाइल फोन ऑल्सो कम्स अंडर दी पर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि व्यक्तिगत कम्युनिकेशन के अंडर आता है मोबाइल फोन, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फैक्स। फैक्स क्या है वो देखेंगे, और ये जो फैक्स है ये भी पर्सनल कम्युनिकेशन के अंडर पे आता है ना। वी कैन सेंड प्रिंटेड मैटर्स और पिक्चर्स इंस्टेंटली थ्रू अ फैक्स मशीन, ठीक है। तो फैक्स से हम क्या सेंड करते हैं, प्रिंटेड मैटर्स और पिक्चर, है ना, प्रिंटेड मैटर्स जो भी प्रिंट किया हुआ है ना, वो सेंड करते हैं, पिक्चर्स भी सेंड करते हैं, किसके मदद से, फैक्स मशीन से, देन एंड देयर, टाइम नहीं लगेगा, देन एंड देयर सेंड कर सकते हो, ठीक है। प्रिंटेड मैटर्स एंड पिक्चर्स आप लोग देन एंड देयर सेंड कर सकते हो फैक्स मशीन से, है ना। और आप यहाँ पर देख सकते हो फैक्स मशीन कैसा है, देखिए यहाँ पर ऐसा होता है फैक्स मशीन, ठीक है। अ टेलीग्राम मशीन कैन सेंड एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड रिटन और प्रिंटेड मटीरियल और पिक्चर्स, यहाँ पर टेलीग्राम मशीन यूज़ किया जाता है फैक्स में, ठीक है। एंड वॉक्स थ्रू टेलीफोन लाइन्स, और ये जो फैक्स मशीन है ये टेलीफोन लाइन्स की मदद से यूज़ होता है, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का फैक्स, देखें यहाँ पर टेलीफोन जैसा है, यहाँ पर प्रिंटेड मटेरियल आ रहा है ना, देखें यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रिंटेड मटेरियल या फिर इमेज पिक्चर्स जो भी है वो फैक्स मशीन से सेंड करता है, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का फैक्स। तो फैक्स मशीन क्या करता है, सेंड प्रिंटेड मैटर्स और पिक्चर्स इंस्टेंटली, ठीक है। इसमें इंटरनेट यूज़ नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ पिक्चर और प्रिंटेड मैटर्स ही सेंड कर सकते हैं, वो भी फैक्स मशीन में। सो फैक्स मशीन भी आया आप लोग का पर्सनल कम्युनिकेशन में।
तो आफ्टर फैक्स मशीन हमारा यहाँ पर आएगा ईमेल, जो हमारा इस टॉपिक का इस लेसन का लास्ट टॉपिक है ईमेल। अब ये ईमेल क्या है? ईमेल तो आप सब लोग को पता ही होगा ईमेल क्या है, क्योंकि अभी तो हम सब लोग ईमेल यूज़ करते हैं। और ये जो ईमेल है, इसे हम ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल्स भी बोलते हैं, है ना। एंड ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल्स इज अ सिस्टम ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। मैसेज भी सेंड कर सकते हैं और किसी से हम मैसेज भी रिसीव कर सकते हैं थ्रू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मदद से आप लोग यूज सेंड या रिसीव कर सकते हैं ईमेल, है ना। और अभी तो आप लोग फ़ोन से भी यूज़ कर सकते हो ईमेल। और ये जो ईमेल है, यानी कि मैसेज सेंड करना है या फिर रिसीव करना है, उससे आप लोग को हाथ से पेन या पेपर से नहीं लिखना पड़ेगा, आप लोग सिर्फ टाइप कर सकते हो, ठीक है। पेन या पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है जब आप लोग ईमेल सेंड करोगे, आप लोग को टाइप करना पड़ेगा। और टाइप तो करोगे आप, पर कैसे सेंड करते हैं ईमेल? तो वहाँ पर हम देख सकते हैं वी नीड एन ईमेल अकाउंट। आपको इफ़ ईमेल सेंड करना है तो आप लोग को ईमेल अकाउंट खोलना पड़ेगा, ठीक है। एंड ईमेल एड्रेस टू सेंड एंड रिसीव ईमेल, एंड ईमेल एड्रेस टू सेंड एंड रिसीव ईमेल, ठीक है। जैसे कि आप लोग पोस्ट ऑफिस पर लेटर पोस्ट करने जाते हो, उस वक्त आप पेपर पेन से पेपर पर लिखते हो, है ना। और वहाँ पर आप लोग स्टैंप यूज़ करते हो, एड्रेस लिखते हो और आप लोग सेंड करते हो। पर यहाँ पर जो ईमेल है, ईमेल पर आप लोग को पेन से पेपर पर नहीं लिखना पड़ेगा, आप लोग सिर्फ टाइप कर सकते हो। और टाइप करके आप लोग को, जैसे आप लोग एड्रेस लिखते हो पोस्ट ऑफिस पर लेटर भिजवाने के लिए, तो यहाँ पर भी आप लोग का एड्रेस लिखना पड़ेगा और यहाँ पर आप लोग को ईमेल अकाउंट भी खोलना पड़ेगा, तभी आप लोग ईमेल सेंड कर सकते हो। इसलिए तो इसे इलेक्ट्रॉनिक मेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि आप लोग को टाइप नहीं, क्योंकि आप लोग को लिखना नहीं पड़ेगा पेन से पेपर पर, है ना। तो ईमेल भी आता है आप लोग का पर्सनल कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का पर्सनल कम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। आज हम कम्युनिकेशन पढ़ा, हमने कम्युनिकेशन पढ़ा, है ना। और ये जो कम्युनिकेशन होता है वो दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन, है ना। पर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि एक दूसरे से सिर्फ दो लोग के बीच होता है या तीन लोग के बीच होता है, सोसाइटी पर नहीं होता है, एज अ होल कंट्री में भी इसका कम्युनिकेशन नहीं होता है। पर्सनल यानी कि दो लोग के बीच, और मास कम्युनिकेशन यानी कि सामूहिक, बहुत ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। और ये कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है वो भी हमने आज पढ़ा, और आज हम टॉपिक सिर्फ पर्सनल कम्युनिकेशन में ही कवरअप किया। और ये जो मास कम्युनिकेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। और जो कम्युनिकेशन है वो लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड कम्युनिस से आया है, और इसका मतलब क्या है? कॉमन, ठीक है, कॉमन। और ये जो कम्युनिकेशन है, हम एक दूसरे के आइडियाज़, फैक्ट्स, ओपिनियन या फिर अपने इमोशंस शेयर करने के लिए हम कम्युनिकेशन करते हैं। और ये जो एसेंस है कम्युनिकेशन का, वो एक दूसरे को समझने के लिए यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन, है ना। और जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो भी शेयर करने के लिए आप लोग कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। और ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में देखा जाए, साधन देखा जाए, तो अभी तो ईयर बाय ईयर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है कम्युनिकेशन। पहले तो हम लेटर पे लिख के कबूतर के पेड़ में बांध के उड़ाते थे, वो तो ओल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत पुराना एंशिएंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पर अभी वैसा नहीं होता है, प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हुआ है, इसी वजह से ही न्यूज़पेपर एंड बुक्स सबके पास अवेलेबल है, है ना। डे बाय डे डेवलप हो रहा है। और ये जो साधन है कम्युनिकेशन का, वो दो भाग में विभाजित हुआ है, एक रहा पर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरा रहा मास कम्युनिकेशन। और आज हमने सिर्फ पर्सनल कम्युनिकेशन ही देखा। और ये जो पर्सनल कम्युनिकेशन है वो सिर्फ दो लोग के बीच में होता है, और वो पर्सनल कम्युनिकेशन के अंडर आता है पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, फैक्स एंड ईमेल, है ना।
और जो पोस्ट ऑफिस में देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर, इसमें आप लोग लेटर्स या पार्सल भी सेंड कर सकते हो। और जो कॉस्ट है वो पोस्टेज स्टैम्प लगवाने के लिए लगेगा। और ये जो पोस्टेज स्टैम्प है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विद हेल्प ऑफ द पोस्टेज स्टैम्प वी कैन नो द हिस्ट्री ऑफ द कल्चर ऑफ आवर कंट्री, है ना। हिस्ट्री देख सकते हो अपने देश का कल्चर का, और जो भी अर्जेंट एंड लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोग स्पीड पोस्ट कर भी सकते हो, क्योंकि नॉर्मल पोस्ट एंड स्पीड पोस्ट होता है, और अर्जेंट हो तो आप लोग स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो, और कोरियर यानी कि सामान भी आप लोग सेंड कर सकते हो। और ये जो लेटर एंड पार्सल सेंड करने में जो टाइम लगता है वो पोस्ट ऑफिस कैसा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करता है उसमें डिपेंड होता है। और उसके बाद हम देखते हैं, ये रहा आप लोग का पोस्ट ऑफिस, है ना, पोस्ट ऑफिस का इमेज। और उसके बाद हमने देखा अंडर पर्सनल कम्युनिकेशन, टेलीफोन किससे इन्वेंट किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में किया था। और टेलीफोन बहुत इजी है, बहुत फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। और टेलीफोन दो प्रकार के होता है, जिसके पास वायर होता है उसे हम लैंडलाइन बोलते हैं, और जो वायरलेस होता है उसे हम मोबाइल फोन्स भी बोल सकते हैं। और जब के टेलीफोन इन्वेंट हुआ था बहुत इजी हुआ कम्युनिकेट करने के लिए। और यहाँ पर देखिए आप लोग वायर फोन्स यानी कि लैंडलाइन, और यहाँ पर वायरलेस यानी कि मोबाइल फोन्स। और उसके बाद आया हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर मोबाइल फ़ोन तो बहुत पॉपुलर है अभी, सब लोग जानते हैं कैसे मोबाइल यूज़ करना चाहिए। और ये मोबाइल तो बहुत डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, अगर आप लोग को दोस्त को इनवाइट करना है किसी भी फंक्शन या फिर बर्थडे में, आप लोग दैनंदिन नंबर डायल करके आप लोग बुला सकते हो। सो डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड इजी टू कैरी, आप लोग पॉकेट में भी डाल के चलते हो आप लोग मोबाइल फ़ोन, है ना। और आप लोग बैग में भी कैरी कर सकते हो, पॉकेट में भी कैरी कर सकते हो, इसलिए इजी टू कैरी। और मोबाइल फोन से आप लोग SMS, पिक्चर या फिर डॉक्यूमेंट्स भी आप लोग सेंड या रिसीव कर सकते हो। अगर आप लोग को कहीं पर घूमना जाना है तो आप लोग वहाँ के पिक्चर क्लिक करके आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को दिखा सकते हो, देखो यहाँ पर हम घूम के आए, कितना अच्छा प्लेस है ना। और उसके बाद ये जो मोबाइल फ़ोन है वो इंटरनेट से भी कनेक्ट होता है। और जब इंटरनेट से कनेक्ट होता है, अगर आप लोग को पढ़ने में कोई भी समझ नहीं आया, कोई भी दिक्कत है, और जो काम करता है उसे कुछ समझ नहीं आया आपके काम के मामले में, वो सब लोग इंटरनेट कनेक्ट करके गूगल पर सर्च आउट कर सकता है ना। इसलिए तो मोबाइल फ़ोन बहुत ईजी है। और ये जो मोबाइल फ़ोन है वो हमें अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए, सही इस्तेमाल करना चाहिए मोबाइल फ़ोन पर। अगर आप लोग को मोबाइल फ़ोन का सही इस्तेमाल किया तो आप लोग का बहुत अच्छा होगा, आप लोग का तरक्की होगा। इसीलिए मोबाइल फ़ोन पे गेम नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। आप लोग पढ़ते हो ना, गेम मत खेलो, गूगल सर्च आउट करो। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो पढ़ने में आप लोग को कोई भी परेशानी हो, कोई भी समझ में नहीं आया, तो आप लोग इंटरनेट कनेक्ट करके गूगल आउट कर सकते हो, बहुत हेल्प होगा आप लोग को, ठीक है। और मोबाइल फ़ोन के बाद आया फैक्स तो सिर्फ प्रिंटेड मैटर्स एंड पिक्चर्स सेंड करने के लिए होता है, फैक्स बात करने के लिए नहीं। और टेलीग्राम मशीन यूज़ किया जाता है ना, टेलीफोन मशीन यूज़ किया जाता है। और इसके बाद प्रिंटिंग मटेरियल भी सेंड होता है। और ये जो वॉक थ्रू दी टेलीफोन लाइन, और ये फैक्स जो है टेलीफोन लाइन से वॉक होता है। और ये भी आया आप लोग के पर्सनल कम्युनिकेशन के अंडर। और उसके बाद लास्ट पर्सनल कम्युनिकेशन के टॉपिक है ईमेल, ठीक है। जैसे आप पोस्ट ऑफिस पर लेटर पेन से पेपर पर लेके सेंड करते हो, ईमेल पर वैसा नहीं करना पड़ेगा, आप लोग को सिर्फ टाइप करना पड़ेगा। और जब आप लोग पोस्ट ऑफिस पर अपना लेटर या कोरियर पोस्ट करते हो, आप लोग को एड्रेस लिखना पड़ेगा ना, इसी तरह से ईमेल पर भी आप लोग को एड्रेस लिखना पड़ेगा। अगर आप लोग को किसी को भी मैसेज टाइप करके आप लोग को सेंड करना है तो एड्रेस लिखना पड़ेगा, और उससे पहले आप लोग को ईमेल अकाउंट खोलना पड़ेगा, इसके बाद ही ईमेल सेंड होगा। तो बच्चों ये रहा आज का हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन। सो नेक्स्ट क्लास पर हम लोग देखेंगे मास कम्युनिकेशन, ओके देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।